आज हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के लोगों के बारे में कि भी कैसे लोग होते हैं ये, और इनकी बचपन जवानी और बुढ़ापा कैसा रहता है इनके बारे में भी बात करेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, थोड़े जिद्दी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, गुस्सा कंट्रोल में रहता है और सभी को प्रिय होते हैं, खाना और आराम पसंद होते हैं लोग। अब इनकी जो है ज़िंदगी में क्या हिसाब किताब है, पहला तो जो है कि इनकी जो दिशा है वो दक्षिण मानी गई है और इनको जो है बैल से रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल में अगर हम बोलें तो, और इनकी जो लंबाई या इनके जो बॉडी की जो लंबाई होगी वो बहुत ही औसत होगी और जो माथा जो होगा वो चौड़ा होगा, कंधे चौड़े होंगे और आंखें चमकदार होंगी, बाल जो है वो काले होंगे और कई बार जो है वो वैसे कर्ली भी बाल होते हैं, ठीक है। और शरीर जो होगा वो भारी भरकम होगा और थोड़े से विकार हैं, जैसे कि जो है इनको सपने थोड़े से अजीब से आते हैं और एक तरीके से जो है इनको मतलब जो इनके ग्रेन्स माने गए हैं उनमें ज्वार चावल बाजरा ये हैं, स्थिर राशियों में से एक है और पृथ्वी तत्व की राशि है। इनमें जो है सहनशीलता और धैर्य जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और अगर इनको छेड़ दिया गया तो ये क्रोधित हो जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं और ऐसी और जो है मतलब फिर चाहे आदमी ने कितने भी वो किए हों, अगर ये एक बार अगर ये मतलब गुस्से के चक्कर में फंस गए तो फिर जो है वहाँ पर दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और अगर स्त्रियों के बारे में अगर बोला जाए तो स्त्रियाँ जो है वो सुंदर होती हैं और मेहनती होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार थोड़े से जिद्दी भी मिलेंगे ये लोग, ठीक है। और सब कुछ घर गृहस्थी सब कुछ संभाल लेते हैं। इनके जो है इनके लग्न के जो लोग हैं वो अधिकतर संगीतकार, कला, शिक्षा, बैंकिंग इस तरह के मामलों में ज़्यादा सफल माने गए हैं, ठीक है। तो ये तो हुई आपके जो है लाइफ की नॉर्मल एक जो है कि भाई कैसे होते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और डीपर जाते हैं इसमें, एक तो जो है आपकी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र महाराज है और बैल और शुक्र यानी कि दोनों एक तरीके से मिल गए तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर वो होता है, मतलब अच्छे तरीके से लोग माने जाते हैं, ठीक है। और आप कला, संगीत, फैशन, सजावट इन सब से जो है बड़ा आपको पसंद है ये। और अगर हम देखें वैसे देखें तो ये है कि खांसी जुकाम भी होता रहता है आपको, और जो आपको कलर्स जो आपके लिए फेवरेट हैं वो आपके लिए सफ़ेद, क्रीम या हल्के हल्के रंग के शेड्स ये ज़्यादा सही लगते हैं, ठीक है। और जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो कई बार आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वैसा जो मॉडर्न जो हिसाब किताब है उसमें थोड़ा सा मामला अलग बनता है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं सीधे आपके इन पॉइंट पर कि आपकी बचपन जवानी और बुढ़ापा कैसा जाता है। वृषभ जो लोग होते हैं यानी कि जो टॉरियंस जो लोग होते हैं वो हाईली पेम्पर्ड किड होते हैं, यानी कि उनको काफ़ी लाड़ प्यार से पाला गया होता है। अब उस लाड़ प्यार में वो बिल्कुल जो है, लेकिन उनको शायद कोई बचपन में कोई ऐसी चोट मान लीजिए या बचपन का कोई सदमा मान लीजिए कि बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के इंसान बनकर वो निकलते हैं। दिखने में बढ़िया होते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर होते हैं और गुस्सा बिल्कुल पी लेते हैं, बिल्कुल अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक चीज़ तो देखा जाए। और जो है बचपन में भी जो है ये सभी को प्रिय होते हैं, बचपन से ही इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और ऐसा एक बचपन ये इन्जॉय करते हैं जिसमें इनके पास सब कुछ है, आसपास सब कुछ है, लेकिन जैसे ही इनको शनि की 7.5 हिट करेगी बचपन और जवानी के बीच में, वहाँ पर ये इनकी जो है पर्सनैलिटी फॉर्म होगी। वृषभ लग्न के लोग वहाँ पर जो है अपनी पर्सनैलिटी को फॉर्म करेंगे बचपन और जवानी के बीच में, जो शनि की 7.5 का पीरियड आएगा और उसमें भी वो वाला पीरियड जिसमें शनि के अंदर सूर्य आएंगे और या फिर राहु आएंगे, राहु की अंतर्दशा या सूर्य की अंतर्दशा, महादशा जब कभी भी शुरू होगी शनि की 7.5 में, उसमें जो है आपको मेजर ज्ञान आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो एक ऐसा बचपन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष से नहीं भरा हुआ है, जिसके आसपास सब कुछ है, एक अपने आप को फॉर्म करने का हुआ है, लेकिन जो आपके पास संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका शायद आप यूज़ नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको
करना चाहिए था। और ये जब शनि की 7:30 जब लगती है आपकी, तो आपको ये लगता है कि भैया अब आपको नींद से जगाया गया है, ठीक है। और उस अवस्था में आप जवानी में प्रवेश करते हैं, जब तक काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ हो चुकी होती हैं। लेकिन एक आपकी राशि की एक सबसे जो बढ़िया जो खासियत है, जो मुझको भी अच्छी लगती है, वो ये है कि आपकी राशि के खिलाफ सिर्फ दो राशियां जाती हैं, एक मिथुन और एक धनु। केवल इन दो से आपकी नहीं बनेगी, बाकी 10-12 में से 10 राशियां आपको स्वीकार करती हैं, ठीक है। और बड़ी आपके साथ में फ्रेंडली है, इतनी स्वीकार्यता मैंने किसी की भी नहीं देखी, ठीक है। वृषभ लग्न वालों की जो है बहुत ही ये जबरदस्त स्वीकार्यता मिलेगी, राइट। अगर लग्न है अगर आपका वृषभ, तो बहुत ही शानदार राशियों में से इसको माना जाएगा, राइट। तो ऐसा जो है जवानी, इस तरह की जवानी होगी जिसमें जो है आप बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, लेकिन शनि की 7:30 के उतरने के बाद में, और बड़े ही सीरियस टाइप के करियर बनाते हैं आप लोग, राइट। बहुत ही जो है करियर वो बनाते हैं, और किसी भी तरह का छल कपट पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई धोखा दे भी तो भी जो है उसको चुपचाप उसको सह लेते हैं, दिल के जो दर्द हैं कभी भी बाहर नहीं आ पाते। इस तरह से जो है धीमे धीमे आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर करते हैं, लेकिन जवानी में शादी ज़रूर करते हैं और जो है परिवार अपना सेटल कर लेते हैं, चाहे कितने भी धोखे मिले हों, चाहे कैसे ही मिले हों, अपना जो है हिसाब किताब सेटल आप कर लेते हैं आराम से। 10 राशियां हैं आपको जो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, केवल दो को छोड़ के, ठीक है। और उन दो से ही आपको जो है धोखा, प्यार में धोखा या डंपिंग, सब उनसे ही मिलेगा। बाकी 10 राशियां तो आपके पीछे हमेशा आपके साथ सपोर्ट में खड़ी रहेंगी। शनि की 7:30 में भी आपको उन दो राशियों से, आपको मिथुन और धनु, उन दो से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी 10 राशियां आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म होते होते मिडिल एज तक आप पहुंचते हैं, परिवार बड़ा हो चुका होता है, अब आप बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है बुढ़ापा सनकी वाला आदमी का आना शुरू हो जाता है, जिसमें आपको लगता है कि मुझे जाने से पहले कुछ गलतियों को सुधारना जरूरी है, है ना। और उन गलतियों को सुधारने के लिए जो समय है वो गलत है, सबसे बड़ी बात एक ये है। और बुढ़ापा जो है वो इस तरह का जाता है कि जिसमें आप सब कुछ है आपके पास में, लेकिन अगेन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। थोड़ा सा जो है लोगों से तीखा बोलने की वजह से संबंध थोड़े से खराब हो जाते हैं, और थोड़े से जो है अपनी तरफ से भी आप चाहते नहीं हैं, राइट। थोड़ा सा जिद्दी होंगे, अगर किसी ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो उसको आपने जो है कई बार संपत्ति से भी निकाल देते हैं अपनी, कि भाई जो है मुझको ये भी नहीं चाहिए, राइट। त्यागी नहीं होते, लेकिन ये है कि आपको खाना पसंद होता है और आराम पसंद होते हैं, और कई बार जो है उसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकल जाती हैं हाथों से, है ना। तो ये वाली जो स्टोरी है ये बनती है आपके लिए। वृषभ लग्न के लोग ऐसे होते हैं, बचपन एक ऐसा बचपन जो कि पैम्पर्ड है, लेकिन जैसे ही जवानी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे वहीं पर स्ट्रगल आ गया, और उस स्ट्रगल से जूझते हुए जवानी खत्म होती है, और जवानी और बुढ़ापे के बीच में फिर एक शनि की 7:30 आती है, राइट। फिर जो है आपको थोड़ा सा और वो भी थोड़ा सा घबरा करके जाती है, और फिर आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। ये कोई वैसा बुढ़ापा नहीं है कि जिसमें कुछ नहीं है, तो अपना ख्याल अवश्य रखें, और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।